Hello and welcome back everyone. This is Mohammad Sabaz Alam and you are watching Ramadan Tutorial, your door to the future. आज का क्लास डिस्कस करने वाला है चैप्टर नंबर 5 देसी एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन नंबर 12 को जो कि एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू एंड फॉल्स है। क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड के कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है जिसमें हम लोग ये चैप्टर डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूं अपने इस वीडियो के बारे में, उसके बाद मैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। पहला डिस्कशन होगा कि आप लोग काइंडली डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखें जहां पर हर एक क्वेश्चन का नंबर और उस क्वेश्चन नंबर के नीचे में एक टाइम दी गई है। अगर आप उस टाइम को टच करोगे तो वो वीडियो उस टाइम पे ले जाएगा जहां पर सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है। तो इस तरह से आप लोग एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को फॉलो कीजिए जहां पर आपको क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन का टाइम दोनों दे दिया जा रहा है, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा डायरेक्टली क्वेश्चन में जंप करने के लिए कि जिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देखना है। इसके बाद मैं आपको दूसरी इन्फॉर्मेशन देता हुआ चलूं। आज के चैप्टर को जो देखने जा रहे हैं आप, ये एक स्पेशल प्लेलिस्ट है जिसमें हम लोग एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस क्लास 10 के सारे वीडियोस बना रहे हैं। जब तक आप देख रहे हैं तब तक मैं उम्मीद करता हूं कि पूरी वीडियो कंप्लीट हो चुकी होगी। आज के चैप्टर आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 पे। तो चलिए अब बिना किसी डिस्कशन के क्लासेस स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 12 के हर एक क्वेश्चन को, सॉरी चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 12 के सारे क्वेश्चंस। आपको पता है कि सीरीज में जब भी हम किसी क्वेश्चन को टच करते हैं तो वो क्वेश्चन एक्चुअली जो भी क्वेश्चन नंबर है, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 है, उसके अंदर के सब पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये सेक्शन होता है VSA का, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस का, जिसमें हमारे पास एमसीक्यू है, फिल इन द ब्लैंक्स है और ट्रू फॉल्स है। फिल इन द ब्लैंक्स है और ट्रू फॉल्स है। ये सेक्शंस में ए होता है एमसीक्यू हमेशा, बी ऑलवेज फिल इन द ब्लैंक्स और सी हमारा ट्रू फॉल्स होता है। तो चलिए हम लोग सेक्शन ए के क्वेश्चंस एमसीक्यू को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन कुछ इस तरह से कहता है, फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 3, 4 एंड 6। इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोगों ने ऑलरेडी अपने चैप्टर नंबर 5.1 में बना रखा हुआ है। आप लोगों ने अगर वो फॉलो किया तो आप लोग आसानी से समझते होंगे कि हम लोग यहाँ कंसिडर कर लेंगे जो हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन है वो x। तो अगर वो x है तो हम लोग कुछ इस तरह से लिखने वाले हैं, 3:4:6:x। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, कैसे करेंगे? आपको पता है इज टू को हम लोग डील करते हैं बाई डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई x। अब यहाँ पर हम क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3x = 4 × 6। बहुत बच्चों को मैंने ये बात नोटिस किया कि वो ये मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करते हैं। देखिए ये मल्टीप्लीकेशन नो डाउट यहाँ पर बहुत ही इजी था कि 4 × 6 = 24 होता है, बट ये मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। आप बल्कि इसे सिर्फ ऐसे ही लिखो और यहाँ 3 मल्टीप्लाइड है, उसको दूसरी तरफ डिवाइड करो। 3 will cancel 6 2 times, so 4 × 2 will become 8. So what is the value of x? The value of x become 8. X आपका फोर्थ प्रोपोर्शन था, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल रहा है 8। ऑप्शन कौन सा है? तो ये ऑप्शन नंबर है ए। आई होप कि मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन कर पाया। चलिए जंप करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारे जो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो क्या कहता है? आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन कहता है थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 8 एंड 12। तो 8 और 12 दो नंबर दिए गए हैं जिसका थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है। तो थर्ड प्रोपोर्शन को कंसिडर कीजिए एक्स। आपको पता है क्वेश्चन में हम लोग चूंकि मिडिल में जो भी नंबर होता है उसको रिपीट करते हैं, तो ये होगा 8:12:12:x। अब हम लिखेंगे 8 / 12 = 12 / x। क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × x = 12 × 12। दोबारा बता दूं, मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है, बस इस फॉर्म में लिखिए। अब यहां पर जो मल्टीप्लाई है वो दूसरे साइड डिवाइड होगा, तो 12 × 12 / 8। चलिए कैलकुलेशन करते हैं, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 2 × 4 = 6 = 12। So 6 × 3 = 18 हो गया आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, x की वैल्यू हो गई 18। ऑप्शन नंबर है सी। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप कि मैं आपको ये क्वेश्चन इजीली समझा पाया हूँ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ध्यान से समझते हैं, मीन प्रोपोर्शन निकालना है 16 और 25 का मीन प्रोपोर्शन निकालना है। मीन प्रोपोर्शन मतलब जो इसके बीच में प्रेजेंट है उसके बारे में। आपको पता है कि अगर मैं उसे x लेट कर लेता हूं तो मीन प्रोपोर्शन को हमेशा रिपीट जो भी बीच में होता है वो रिपीट होता है। तो ये होगा 16 × x = x = 25। अब जब आप इसे लिखोगे 16 / x = x / 25, तो आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे जिससे आपको मिलेगा x² = 16 × 25। यहां से x की वैल्यू कैसे निकलेगी? अब आपको ये अगर नहीं पता है मैं सिखा दूं। x की वैल्यू निकालने के लिए हम परफॉर्म करेंगे स्क्वायर रूट 16 और 25 का। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में 16 का स्क्वायर रूट बहुत इजीली आप सबको पता है 4 हो गया और 25 का हो जाएगा 5, क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन था, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रहेगा और रूट के अंदर में कुछ नहीं बचा। तो आंसर क्या हो गया हमारा? 4 5
20। तो ये हो गया बहुत ही इजी सा कैलकुलेशन इस क्वेश्चन का, हम लोगों ने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग अपने स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है, ए इज अ पॉजिटिव रैशनल पॉजिटिव नंबर एंड ए के बारे में बताया गया है कि ए इज टू 27/64 इज इक्वल्स टू 3/4 इज टू ए, इस तरह से फॉर्म दिया गया है। तो बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, तो ए की वैल्यू क्या होगी फाइंड आउट कीजिए। अब इस क्वेश्चन में आपको पता होने चाहिए कि जब भी ये मेन डिवाइडेड होगा और जब भी मेन डिवाइडेड के बाद कुछ होता है जिसका डिनोमिनेटर है तो वो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है। तो इससे अगर हम लोग एक लाइन में लिखें तो ए डिवाइडेड बाई 27/64 करेंगे जिसमें ये मेन डिवाइडेड है तो ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमिनेटर बन जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ मेन डिवाइडेड के ऊपर में है 3/4 और ये होगा ए, तो ये डिनोमिनेटर है, ये यहाँ इसका डिनोमिनेटर बनेगा, इसका डिनोमिनेटर बन जाएगा यानी कि 4। तो ये कैसे लिखाएगा अगले लाइन में, ए इंटू 64/27 और ये हो जाएगा 3/4 ए। अब हम करेंगे क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन पर कोई वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ लिखेंगे, सिर्फ ए से ए को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे ए स्क्वायर इंटू 4 times of 64 और ये हो जाएगा 3 times of 27। अब हमें क्या निकालना है, ए स्क्वायर। हम सबसे पहले निकालते हैं ए स्क्वायर की वैल्यू जो कि निकलेगी 3 into 27 डिवाइडेड बाई 4 multiplied by 64। अब हमें निकालना है ए तो हम करेंगे स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट किसका, 3 into 27 को ब्रेक कीजिए, 3 into 3 into 3 डिवाइडेड बाई 4 को 4 रखिए और 64 आपको पता है 4 into 4 into 4 होता है 8, 4 4 16, 4 4 64। अब देखते हैं पेयर, तो यहाँ पर एक पेयर फॉर्म हो रहा है, दूसरा पेयर फॉर्म हो रहा है, तो कितने 3 पेयर फॉर्म हुए, 2 और नीचे में 4 के भी 2 पेयर फॉर्म हो रहे हैं, तो इस तरह से वैल्यू हो जाएगा 9/16 जो कि हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा आंसर हुआ 9/16। ऑप्शन ऑप्शन नंबर दिख रहा है सी, तो 4 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोगों ने कंप्लीट किया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 5 नंबर। स्क्रीन पे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है, 2a is equals to 3b is equals to 4c, ये 3 नंबर दे दिए गए हैं। अब पूछ रहा है a is to b is to c की वैल्यू क्या होगी। मैं बताऊं इस चैप्टर का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इस क्वेश्चन पे बहुत गौर कीजिए, अच्छे से समझिए, ना समझ आने पे कमेंट करके जरूर बताएं कौन सा आंसर इसका है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि ए का 2 गुना, बी का 3 गुना और सी का 4 गुना बराबर है, तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा कि 2a बराबर 3b, तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 2। अब मैं इन दोनों को लिखता हूं, मैंने पहले दोनों को लिखा जिससे ये मिला, अब मैं लिखूंगा 3b इज इक्वल्स टू 4c जिससे मुझे मिलेगा b डिवाइडेड बाय c इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 3। तो अब मैं क्या करूंगा, आपके पास a इंटू b की वैल्यू है, b इंटू c की वैल्यू है, आपको पता है डिनोमिनेटर सेम करना होता है, सॉरी b की वैल्यू दोनों जगह सेम करनी होती है, यहाँ पर b 2 है यहाँ पर b 4 है, तो यहाँ पर हम अगर सिर्फ इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो न्यूमरेटर भी करना होगा जिससे ये हो जाएगा 6/4, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, तो अब हमें कुछ नहीं करनी है, हम लिखेंगे a is to b is to c is equals to 6 is to 4 is to 3 और ये होगा हमारा फाइनल आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा। अब अगर मैं बात करूं कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा ऑप्शन है, आप लोग कमेंट करके बताइए इसका ऑप्शन कौन सा है। मैं सारे कैंडिडेट से कह रहा हूँ, आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया आपको समझ में आ गया तो काइंडली अपने बुक में देखिए इसका ऑप्शन कौन सा है और कमेंट करके बताइए ऑप्शन, ठीक है। अगर आपको लगता है कि 5 का आंसर सी है तो लिखिए 5c, अगर आपको लगता है डी है तो लिखिए 5d, लेकिन रिमेंबर क्वेश्चन नंबर फॉलो कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर रोमन 5 है तो रोमन 5 ही दीजिएगा, 5 और उसके बाद ऑप्शन में स्मॉल डी है तो स्मॉल डी ही लिखिएगा, इस चीज को फॉलो कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, हम करेंगे अब इसका बी नंबर सेक्शन जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं ट्रू और फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस, ट्रू है या फॉल्स इस स्टेटमेंट को चेक करेंगे। यहाँ पर 2 क्वेश्चन हमारे पास है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों ने नोटिस किया कि एक क्वेश्चन ट्रू और एक क्वेश्चन फॉल्स होता है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कंपाउंड रेशियो ऑफ ए बी इज टू सी स्क्वायर, कुछ टर्म्स दिए जा रहे हैं, पहला ये है, इसके बाद है बी सी इज टू ए स्क्वायर और इसके बाद है सी ए इज टू बी स्क्वायर, इसका बोल रहा है कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो का तरीका आप लोगों को पता होगा, जब यौगिक मिश्रण निकालना पड़ता है सबको पहले वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या होगा ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे बी सी से फिर मल्टीप्लाई करेंगे सी से, देखिए ए यहाँ है यहाँ है तो ए स्क्वायर होगा फिर बी स्क्वायर होगा फिर सी स्क्वायर होगा, तो हम लोगों को दिख रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इस टू के बाद जो है इसको भी करते हैं, देखिए यहाँ पर भी सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो ये भी होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, देखिए दोनों में सेम टर्म्स है तो कैंसिल हो जाएंगे और वैल्यू क्या निकलेगा 1:1, कहता है कि इनका जो कंपाउंड रेशियो है वो 1:1 है तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो हम लोगों ने चेक किया ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बिना कैलकुलेशन के ट्रू लिखेंगे तो क्या आपको फुल मार्क्स मिलेगा माध्यमिक में, आपका ये क्वेश्चन
मैं आंसर दूंगा लेकिन कुछ देर बाद। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास है x cube y दिया गया है, x square y square दिया गया है और xy cube दिया गया है। कह रहा है आर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। क्या ये तीनों कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है? तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कैसे चेक करते हैं? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन चेक करने का तरीका होता है कि हम पहले दोनों का रेशियो निकालेंगे, x cube divided by x square y square। इसके रिजल्ट निकाले, देखिए ये इसको कैंसिल करके x करेगा, ये इसे कैंसिल करके y करेगा, तो हमारे पास निकल रहा है x/y। अब इन दोनों का लास्ट दोनों का रेशियो निकालते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट दोनों का रेशियो x/y देखा, लास्ट दोनों का रेशियो निकालते हैं x square y square divided by xy cube। यहां x कैंसिल कर देगा, न्यूमरेटर में x बचेगा, y कैंसिल कर देगा, डिनोमिनेटर में y बचेगा। क्या निकला? x/y। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट दो का रेशियो और लास्ट दो का रेशियो भी सेम है। अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है तब हम कहते हैं कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। तो हम लोग इसे कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन निकल के आया, ठीक है। तो ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू आ गई, जो कि हम लोगों ने नोटिस किया। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जिस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको थोड़ी देर बाद दूंगा, कि क्या हर एक क्वेश्चन में आप अगर ट्रू और फॉल्स करना है और अगर आपने सिर्फ स्टेटमेंट बिना कोई चेक किए ट्रू और फॉल्स लिख दिया तो क्या वो सही होगा या नहीं, इसका आंसर मैं आपको कुछ देर बाद बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। आप अपने स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हैं। सी में हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन है, जिन क्वेश्चन का आंसर मैं आपको वन बाय वन कराना स्टार्ट करूंगा। पहला क्वेश्चन का आंसर चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके क्वेश्चन स्क्रीन पर है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ थ्री पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर इज 64, तीन पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर है जिनका प्रोडक्ट वैल्यू क्या है 64, देन द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इज, ठीक है। तो मैं अगर तीन कंसेक्यूटिव प्रोपोर्शनल नंबर लू, कंसेक्यूटिव होंगे और प्रोपोर्शनल होंगे, यानी अगर पहला नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है, तीसरा नंबर सी है, तो कंसेक्यूटिव का मतलब हम लोगों ने पढ़ा था बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी, राइट, ये तरीका पढ़ा था। तो इससे हम लोगों को क्या आइडिया मिल रहा है कि आप जो फर्स्ट नंबर और ये रेशियो सेम मेंटेन करोगे, यानी कि इसके बाद ये जो नंबर चूज करोगे, अगर मैं इसे ऐसा बोलूं कि आप ए आर फॉर्म करो, पहला ए ले रहे हो तो दूसरा ए आर फॉर्म करो, और तीसरा को क्या फॉर्म करोगे, तब तीसरे को फॉर्म करोगे ए आर स्क्वायर, राइट। तो देखिए इन तीनों को आप चेक करके देखिए क्या ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है, आंसर मिलेगा ए आर बाई ए करने पर ए कैंसिल होगा आर, और इसके बाद इसमें करोगे तो ए कैंसिल होगा और आर स्क्वायर का आर से कैंसिल करोगे तो आर मिलेगा। तो ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन फॉर्म कर रहे हैं, तो मैं इस बी और सी को रिमूव करके इन टर्म्स को ले लेता हूं, प्रपोजल दे रहे हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है कि तीन कंसेक्यूटिव टर्म है हमारे पास जो कंटिन्यूड प्रपोजल में है और जिनका प्रोडक्ट वैल्यू यानी कि a into ar into ar स्क्वायर जो है वो है 64। हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है देन मीन प्रोपोर्शनल ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, यानी कि इन दोनों का जो बीच का टर्म है यानी जो ar है उसकी वैल्यू क्या हो, कैसे हम इस क्वेश्चन को सोच सकते हैं। तो इसे हमें सोच के देखना पड़ेगा कि हम कैसे इसे फॉर्म कर सकते हैं। यहां पर मैं ट्रायल मेथड का इस्तेमाल कर रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन ट्रायल मेथड के अलावा कैलकुलेशन मेथड भी हमारे पास काम करेगा। अगर मैं लेता हूं 2, तो 2 के बाद का टर्म मैं लेता हूं 4, और 4 के बाद का टर्म मैं लेता हूं, ठीक, जैसे कि ये इसका दो गुना हुआ तो इसका भी दो गुना करना होगा, तो मैंने लिया 8। अब इसको मल्टीप्लीकेशन देखो, 2 4 8 8 8 64, तो ये आपका वैल्यू 64 सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हो गया 2, नेक्स्ट लास्ट टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया लास्ट, यानी कि लास्ट टर्म हो गया 8, और मीन प्रोपोर्शन हो गया आपका 4। तो इस क्वेश्चन का ट्रायल मेथड से हम लोगों ने आंसर चेक किया जो कि आया 4, और आप कह सकते हो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4। कैलकुलेटिव मेथड भी इसमें काम करेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में मैं ट्रायल मेथड थोड़ा बहुत प्रेफर करता हूं, जैसे कि इस क्वेश्चन में मैं प्रेफर करूंगा। डेफिनेटली अगर डेटा चेंज होता है तो वहां पर आपको इस तरह से इमेजिन करके देखना पड़ेगा कि किस तरह का मल्टीपल्स आप ले सकते हो। कैलकुलेटिव मेथड में इस क्वेश्चन में मैं फिलहाल नहीं जा रहा हूं। आगे बढ़ना चाहूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो हम लोग करने जा रहे हैं। लास्ट के दो क्वेश्चन बाकी है, लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। a is to 2 यानी a by 2 is equals to b is to 5 यानी कि b divided by 5 is equals to c divided by 8। इसके बाद कहता है देन 50% ऑफ a, 50% ऑफ a यानी a का 50% करना है, बराबर कहा जा रहा है 20% ऑफ b, 20% ऑफ b है, b का 20% करना है। तो पूछ रहा है कि वो सी का कितना परसेंट होगा, कितना परसेंट ऑफ सी, ठीक है, तो सी का कितना परसेंट होगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू कंसीडर करता हूं के, तो ए की वैल्यू कितनी होगी 2k, बी की वैल्यू कितनी होगी 5k, सी की वैल्यू कितनी होगी 8k, क्लियर है। अब ए का 50% कितना होगा, चलिए इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो ए का 50% यानी 2k का 50%, 50% का मतलब आप सब लोग समझते हैं, परसेंट का मतलब होता है
2k into 1 by 2, 2 2 cancel हो गया, result आया k. तो पहला value जो है वो है k. चलिए दूसरा value देखते हैं. दूसरा हमसे कह रहा है 20% of b. अब हमें पता है कि हम इसे निकालें या ना निकालें. c का वो value सेम ही आना है. तो मैं इसे निकालूं या ना निकालूं मुझे इससे कोई मतलब नहीं होने वाला है. अगर आप निकाल के चेक करना चाहते हो कर सकते हो. रिजल्ट आपको सेम मिलेगा, k ही मिलने वाला है क्योंकि ये सब इक्वल है, क्वेश्चन में कह दिया है. अब हमें कह रहा है कि c का कितना परसेंट, तो मैं कंसीडर कर लेता हूं कि इस क्वेश्चन में c का x परसेंट है. ठीक, तो x परसेंट c का मतलब c यानी कि 8k का x परसेंट यानी x by 100 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, k आना चाहिए. तो हमें क्या निकालना है, x निकालना है. देखिए दोनों तरफ से k के कैंसिल हो जाएगा. अब यहां से हमें x निकालना है जो कि होगा 100 चला जाएगा न्यूमरेटर में और 8 आ जाएगा डिनोमिनेटर में. 4 कैंसिल करेगा 2 टाइम्स, 4 कैंसिल करेगा 25 टाइम्स. तो ये हो गया x हो गया 25 by 2 परसेंट यानी कि 12 होल 1 by 2 परसेंट हो गया इसका आंसर. समझ में आया आप लोगों को कि हम लोगों ने ये आंसर कैसे कैलकुलेट किया. ए का 50% दिया हुआ था, हम लोगों ने इसे यूटिलाइज किया. देखिए बी को हम लोगों ने यूटिलाइज ही नहीं किया और सी का रिजल्ट फाइंड आउट कर दिया. आई होप कि मैं ये क्वेश्चन आपको समझा पाया हूंगा. आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि 3 नंबर क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन है अब तक का और आखिरी क्वेश्चन. द मीन प्रोपोर्शन ऑफ x माइनस 2 एंड x माइनस 3 इज x. x माइनस 2 आपके पास है और x माइनस 3 है. इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन यानी ये आपको पता है बीच वाला टर्म वो है x. क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकालें. आपको पता है ना मीन प्रोपोर्शन का मतलब होता है x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई x माइनस 3. अब पूरा कैलकुलेशन जो है वो हमारा चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड है. हम करेंगे क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन. x स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और मैं एक बार में मल्टीप्लिकेशन क्विकली कर रहा हूं क्योंकि हमें करना है कैलकुलेशन. x स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, हमारे पास रिजल्ट निकलेगा -5x + 6 इज इक्वल टू 0. यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, -5x इज इक्वल टू -6, माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल. x की वैल्यू निकलेगी 6 डिवाइडेड बाय 5 जो कि हो गया हमारा फाइनल आंसर. इसके साथ हम लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया कंप्लीट एंड आई होप कि मैं आपको समझा पाया होगा ये सारे के सारे क्वेश्चंस. हम लोगों ने अभी चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 12 एमसीक्यू वीएसए टाइप के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया. इस सीरीज के वीडियोस को ऊपर के आई बटन पे जब आप फॉलो करेंगे हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर में जो एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस है उसका कलेक्शन मिल जाएगा. एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो kindly वीडियो को लाइक कर दें, नहीं लगने पर डिसलाइक करके जो बताया वीडियो में क्या प्रॉब्लम है जिनको हम इंप्रूव करें. आप देख रहे थे रमजान ट्यूटोरियल, मैं हूं मोहम्मद शाहबाज आलम. थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.